उसका काम है कैमरे के सामने बैठ के बकबक करना। एल्विस की पहले भी अदनान के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी और एल्विस यादव के लिए अदनान ने कहा था कि सिस्टम वहाँ पे हैंग हो गया सलमान भाई के सामने, और अगर भाई ये वीडियो देख रहे हैं ना तो मैं चाहता हूँ कि भाई इसको धक्का मार के ना बाहर निकाले। इसके बाद अदनान को काफी गंदे कमेंट मिल रहे थे, लेकिन अब अदनान एल्विस के लिए बोल रहा है कि वो कैमरे के सामने बैठ के बकबक कर सकता है, पर वो अगर ओपन है फाइट के लिए तो आई एम रेडी। अरे कौन से बदमाशी का फार्म भरा है तुमने? सलमान खान ने शुरू से ही बिग बॉस में एल्विस यादव को टारगेट किया है, लेकिन अब सलमान खान ने एल्विस यादव को सपोर्ट किया। दरअसल वीकेंड बार में फुकरा इंसान की एक वीडियो एल्विस यादव को दिखाई गई, जिसमें फुकरा इंसान बोल रहे हैं कि वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला अगर विनर बना तो मैं उसको विनर नहीं मानूंगा। इसी पर सलमान फुकरा से कहे अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला जीत गया तो। इस पर फुकरा बोले वाइल्ड कार्ड एंट्री वाले के लिए जर्नी इजी होती है। इस पर सलमान बोले अरे ये कैसे, जो बाद में आएगा उसके लिए गेम तो और डिफिकल्ट होगा। एल्विस के लिए गेम डिफिकल्ट है क्योंकि ग्रुप्स ऑलरेडी बन चुके हैं। हर आदमी दोगला है।